आज भारत का लोकतंत्र खतरे से जूझ रहा है। मीडिया उस लोकतंत्र को बचाने में असफल है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर मीडिया का नंबर देखा जाए तो 148 नंबर में भारत की मीडिया आता है। इससे ये प्रतीत होता है कि हम पत्रकारिता में कहीं नहीं दिखाई देते या पत्रकार किसी के दबाव में काम करते हैं और या उनका खुद का अपना माइंड सर्कुलर ही नहीं है। मीडिया चौथा स्तंभ है और यही सारी जनता का दुख सुख लोगों के सामने लाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट की बात जनता तक पहुंचाती है, जनता की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। लेकिन आज जो रोल भारत में मीडिया का है वो कहीं से भी तारीफ योग्य नहीं है। ये लोग चमचे हो गए हैं, गोदी मीडिया हो गई है, किसी एक को पकड़ लिए उसी के विषय प्रचार करते रहते हैं। क्या मीडिया ने दिखाया चंद्रशेखर रावण टाइम्स मैगजीन में 100 शक्तिशाली आदमियों में भारत का वो व्यक्ति था, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया। मीडिया क्यों नहीं उसको दिखाई? क्योंकि वो एक छोटी जाति से बिलोंग करता था, इसलिए शायद मीडिया नहीं दिखाई। या उसके दिखाने से हो सकता है मोदी का वर्चस्व कम हो जाता, इसलिए शायद मीडिया नहीं दिखाई। ठीक है, मीडिया किसी को कितना भी रोके लेकिन जिसे आगे जाना है वो आगे जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वही चंद्रशेखर रावण आज लोगों में लोगों के नाक में दम कर बैठा है और बाबा जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहा है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय।